हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए हम आज आपको इस वीडियो में बताते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ उनके सिम को 5G में बदलने के नाम पे बहुत सारी फ्रॉड और धोखाधड़ी हो रही है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आपको उनसे बचना है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हर कोई भी व्यक्ति, आपके पास जो कोई भी सिम हो उसको 5G में अपग्रेड करने के लिए आपसे OTP, पिन या पासवर्ड, इनमें से कोई भी चीज आपसे मांगता है, कॉल करके या मैसेज भेज के आपको नहीं देना है। ठीक है, इस तरह हो सकता है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसको खाली कर दिया जाए या कोई भी आपके सिम का क्लोन तैयार कर दिया जाए। इससे जो भी आपके पर्सनल डाटा होंगे वो भी लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके साथ अनेक प्रकार के बहुत सारे फ्रॉडगिरी हो सकती है। तो आपको अपना पिन, OTP, पासवर्ड किसी भी व्यक्ति को बाय मैसेज या बाय फोन नहीं देना है। साथ ही अगर आपके मोबाइल नंबर पे किसी भी प्रकार की कोई लिंक आती है जिसमें ये कहा जाता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और जो आपका सिम है वो ऑटोमेटिकली ही 5G में अपग्रेड यानी अपडेट कर दिया जाएगा, तो उस अनजान लिंक पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, इससे जो भी आपके पर्सनल डाटा होंगे वो ऑटोमेटिक ही सामने वाले के पास चले जाएंगे। इससे आपका फोन हैक हो सकता है, उस डाटा के माध्यम से आपका जो भी बैंक अकाउंट है उनको भी हैक किया जा सकता है या जो भी आपके अदर चीज है उनको, सोशल मीडिया हैंडल है उनको भी हैक किया जा सकता है या उनके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। सो आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है कि अब आप यह जान चुके हैं कि 5G सिम को अपग्रेड करने के नाम पे जो भी धोखाधड़ी हो रही है उससे आपको कैसे बचना है। अगर यह छोटी सी जानकारी और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है और इससे यह भी पता लगता है कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। सो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि 5G के नाम पे जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उससे वो बच सके। ठीक है, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।